मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने जवाब देने के लिए मांगा समय। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हिरासत मौलिक अधिकार के खिलाफ। 28 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे बड़ा खुलासा, तथाकथित शराब घोटाले के पैसों के खुलेंगे राज। मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दी जानकारी। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, विशेष सत्र के दौरान आप विधायकों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारी आप नेताओं को दी सख्त हिदायत। आपके लीगल सेल ने निचली अदालतों में विरोध प्रदर्शन की कही थी बात। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की पहली लिस्ट। महाराष्ट्र की 48 सीटों में 17 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। राज्य में 5 चरण में होगी वोटिंग। पहले चरण में चुनाव के लिए 21 राज्यों के 102 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन आज। इन सीटों पर 20 मार्च से शुरू हुआ था नामांकन। इसमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर की अहम घोषणा। कहा, जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने पर विचार करेगी सरकार। वहां मौजूद जवानों को भी बुलाया जा सकता है वापस। सितंबर से पहले होंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी सांसद वरुण गांधी नहीं लड़ेंगे चुनाव। पार्टी ने पीलीभीत की सीट से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने किया फैसला। वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए के नेता प्रकाश अंबेडकर ने की लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। बुधवार को अपने 9 में से 8 कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान। दिनकर गुप्ता के रिटायरमेंट के बाद आईपीएस सदानंद वसंत बने एनआईए के डीजी, तो पीयूष आनंद को बनाया एनडीआरएफ का महानिदेशक। चीन ने अरुणाचल पर तनाव के बीच लद्दाख सीमा के पास किया बड़ा युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में तोपखाने और गोला बारूद की दिखाई ताकत। अमेरिका ने पाकिस्तान को पाक ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना को रोकने की दी सलाह। ऐसा न करने पर दी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी। प्रोजेक्ट को लेकर 2009 में पाकिस्तान और ईरान के बीच हुआ था समझौता। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेगा सऊदी अरब। आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश के पहले प्रतिनिधि के रूप में प्रतियोगिता में मॉडल रूमी अलकाहतानी लेंगी हिस्सा। अमेरिका के बाल्टीमोर में की ब्रिज ढह जाने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की भारतीय क्रू की तारीफ। कहा, उनकी वजह से बची कई जाने। चीन के कर्ज में फंस सकता है नेपाल। नेपाल और चीन ने बीआरआई समझौते को लेकर जताई प्रतिबद्धता। चीन ने नेपाल को कई परियोजनाओं के लिए दिया है कर्ज। इस हफ्ते शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक, जबकि शेयर बाजार शुक्रवार से रविवार तक 3 दिन के लिए रहेगा बंद। बीमा पॉलिसी नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब खरीद के 3 साल के भीतर पॉलिसी लौटाए जाने पर वापसी मूल्य समान या उससे कम रहने की संभावना। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। आईपीएल में आज एसआरएच वर्सेस एमआई। हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों का रिकॉर्ड बराबर। दोनों को सीजन में पहली जीत का इंतजार। विवादों में बिग बॉस विनर और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। हुक्काबार में मुंबई पुलिस की रेड में पकड़े गए। पुलिस ने नोटिस जारी कर दी जाने की इजाजत। मामले में जांच जारी। दूसरी बार शादी के बंधन में बंधी अदिति राव हैदरी। रंगनाथ स्वामी मंदिर में बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ संगलिए 7 फेरे।